नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन यानी इस घंटी पर क्लिक कीजिए। हिटमैन रोहित शर्मा ने दिया बड़ा बयान, बोले देश से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं, मैं टीम के लिए नहीं देश के लिए खेलता हूँ। रोहित वेस्टइंडीज के खिलाफ T20 सीरीज खेलने के लिए टीम इंडिया अमेरिका पहुंच गई है, जहां उसे पहला मैच 3 अगस्त को खेलना है। इस मैच से पहले टीम इंडिया के उपकप्तान रोहित शर्मा ने बड़ी बात कही है। रोहित शर्मा ने अपने ट्विटर अकाउंट पर पोस्ट डालते हुए लिखा है कि मैं सिर्फ टीम के लिए नहीं देश के लिए मैदान में उतरता हूं। वर्ल्ड कप में 5 शतक ठोकने वाले रोहित शर्मा का ये बयान बेहद अहम माना जा रहा है। हाल ही में मीडिया में रोहित शर्मा और विराट कोहली के बीच मतभेद की खबरें छाई हुई थी। रोहित शर्मा ने इन खबरों के बाद पहली बार चुप्पी तोड़ी है। विराट के समर्थन में आए गांगुली। पूर्व भारतीय कप्तान सौरव गांगुली ने कहा है कि टीम इंडिया का कप्तान होने के नाते विराट कोहली के पास कोच चयन प्रक्रिया पर अपनी राय देने का पूरा अधिकार है। गांगुली का मानना है कि विराट टीम के कप्तान हैं और उनका इस मामले में बोलना पूरा अधिकार है। गौरतलब है कि भारत के वर्ल्ड कप सेमीफाइनल से बाहर होने के बाद पहली बार मीडिया से मुखातिब होते हुए कोहली ने भारतीय मुख्य कोच के लिए रवि शास्त्री के जारी रहने का समर्थन किया था। बिशप ने टीम इंडिया को बताया ताकतवर। टीम इंडिया भले ही वर्ल्ड कप जीत ना पाई हो, लेकिन उसकी मजबूती पर किसी को कोई शक नहीं है। वेस्टइंडीज के पूर्व तेज गेंदबाज और कमेंटेटर इयान बिशप के मुताबिक विराट कोहली की अगुवाई वाली टीम इंडिया पावर हाउस बन चुकी है, जिसका विदेश में जबरदस्त प्रदर्शन है। इयान बिशप ने INS से खास बातचीत में कहा कि भारतीय टीम वेस्टइंडीज की घरेलू परिस्थिति को बहुत अच्छी तरह से जानती है। बीते कुछ सालों में भारत एक ऐसा पावर हाउस बन गया है जिसने विदेशों में बेहतरीन प्रदर्शन किया है। रूट ने एंडरसन की करी तारीफ। इंग्लैंड टेस्ट टीम के कप्तान जो रूट का कहना है कि साथी तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन उम्र के हिसाब से बेहतर होते गए हैं। वेबसाइट cricket.com.au के मुताबिक रूट ने कहा है कि मुझे लगता है कि वह उम्र के हिसाब से और बेहतर हो रहे हैं, वह खेलना जारी रखना चाहते हैं। उन्हें हाल के वर्षों में कई बार चोट का सामना करना पड़ा है, लेकिन हर बार उन्होंने मजबूत वापसी की। उन्होंने हमेशा ही अपने आप को साबित किया है। श्रीलंका ने किया क्लीन स्वीप। श्रीलंका ने आर प्रेमदासा स्टेडियम में खेले गए तीसरे और आखिरी वनडे मैच में बांग्लादेश को 122 रनों से हरा दिया। इसी के साथ श्रीलंका ने वनडे सीरीज 3-0 से अपने नाम कर ली। श्रीलंका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 8 विकेट के नुकसान पर 294 रन बनाए। बांग्लादेश की टीम 36 ओवर में 172 रन पर ढेर हो गई। नवंबर 2015 के बाद श्रीलंकाई टीम ने पहली बार अपने घर में कोई वनडे श्रृंखला जीती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। आप अपने कमेंट नीचे कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं।